ज्ञानांजन शलाकाया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ भक्ति चैनल रो सत्यपथे घेनी जाओ मते कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। सबुदिन परी आज सत्यपथरे समस्त मंगल कामना करुचु, समस्ते सुखरे थांतु, शांति रे थांतु। ता सहित आज सत्यपथर नूतन कहानी की आपण मानक समस्त को स्वागत। दर्शक बंधु, कपाल रे कौन लेखा अच्छी? आम सब बेले कहती ना सुमन आज्ञा, बेले बेले कहती ना यहाँ मो भाग्य आज्ञा आज्ञा, किंतु वास्तव में अमन आज्ञा भाग्य बेले बेले मनीष जहाँ चाहे भाग्य आउ किछि दे थाए। भाग्य रे जहाँ लेखा अच्छी बस ताको केही काटी पारंदी ना। आज से ही गोटे कहानी रही। दर्शक बंधु, आम बेले बेले कांदी पकांदी, हे प्रभु मोरी जीवन रे ही दुख दे कहे ना ना, ये कपाल रे जहाँ लेखा है ना ताको किए बा काटिबो। कपाल रे जहाँ लेखा निश्चय घटिबा, कपाल रे जहाँ लेखा निश्चय घटिबा, केही नाही भाग्य को जे बदलाई देवा, केही नाही भाग्य को जे बदलाई देवा। संसार संसार के तरे तू जहा बुणीबु, संसार को आसिले तू ताहा पाइबू। हाँ संसार को आसिले तू ताहा पाइबू, संसार को आसिले तू ताहा पाइबू। वास्तव रे ये संसार होची गोटी जदि खेत हुए, ये खेत रे आमे जहा गला थरो बुनी थिले आसिला परे ताहा को ही काटिबा। जदि आमे सेठी दुख बुनी के आइ चंदी आसिले एठी दुख नबा, जदि सुख बुनी के आइ चंदी तो आसिले एठी सुख नबा। एमिति भावना रही चंदन नगर राजा जहाँ ना हला चंदन सिंह। चंदन सिंह कर प्रचार बहुत थिला, से बहुत भल राजा, तांकर सुनाम चारियाड़े प्रचारित तो होता। से सुनाम भितरे से चंदन नगर को थरे भद्रशील नामक जड़े ज्योतिष आसी, से ज्योतिष आसी जनक काम पाई ज्योतिष को डका जाइला। ज्योतिष आसी से इलाकारे गोटे मास रहिले, से मासक भितरे जीए जहाँ नियंती जातक देखाती कहार भलमंद किए हाथ देखती। ये ज्योतिष भी भद्रशील ना विख्यात तो, ये कपाल को देखिकी कहीदारे, ये हाथ को देखिकी कहीदारती, ये भी विख्यात तो। ये समय कही गाँ लोक मैंने जे आमर राजा बहुत बढ़िया, सी भी बहुत लोक साहय करती, ये राजा कोटिकेरे गोटे। किंतु भद्रशील जोबले मस सरी जा चंदन नगर रु विदाय ने पूर्व टे चिंता कर चंदन नगर को आसी चंदन नगर राजा चंदन सिंह जहाँ ना मु बाहर शुणी जा राजा को मुझे भेटी आसे कहीक राजा पाखक आसी जोबले राजा को प्रणाम एवं राजा जाणीगले ये ज्योतिष भद्रशील बहुत आदर सम्मान देले एवं राजा
जो राज दरबार रे बसे जेते तांको प्रशंसा दबारे कमेले नाही दे सारिला परे कले मु केवल जिबार अछि खाली आपन को भेटिबा पई आसीथिली शेष समय रे टिके देखा होई जीव काले मु आके तळे आसी पारिबि कि नाही। चंदन सिंह कहिले मो पाख को ज्योतिष आसीथिले सी फेरुचंती तो हीरा लीला मोती माणिक सी तांकर मंत्री की टिके खबर देले गुप्त रे कहिले जा किसी भेटी आणिक दे दि भेट किसी दि आसी राजा पाखु खाली फेरबे अरे मो राजा कौन नाई मो पाखे कहीकि नहींक्र गोटे थाली रे ज्योतिष हाथ को मंत्री बढ़ईदे ज्योतिष मना कले खाली मु मो निज भाग्यर खाए मु आउ कहा भाग्य खाए नी कथार अर्थ किसी बुझीपारे ना राजा पचारे मु बुझीपारे गुरुदेव आपण कौन कहते ना अरे मु मो निज भाग्य रे जहाँ अच्छी ताको ही खाए मु आउ कहार खाए ना अर्थात प्रत्येक मनीष तांको निज निजर भाग्य को जो माने खाती को राजा चाहिले कहा भाग्य को बदल दे पारनी। चंदन सिंह कर ये कथा टी हजम हलानी कले गोटे राजा चाहिले गोटे गरीब लोक को धनी कर दे पारनी कले ना कश्मीन काले नुह कहले किंतु मुदेवी ना अच्छा तुम्हें करदे पार ज्योतिष भाविले राजार टे घमंड अच्छे अहंकार अच्छे कहले ना केबे नुहे ना ताहले मु आपन को गोटे एत लोक देखा आपन तो कपाल देखिक हाथ देखिक कहीदारती किए गरीब किए धनी आपण आज कहतु मो इलाकार गोटे गरीब लोक को मो सामन ठिया कर दिंतु मुझे धनी न करदे मत कह ज्योतिष कहले घमंड को टे देखा पड़ब कहले ठीक अच्छे डाकतु आपत को डाकुंत मुझे गरीब को ठिया करेबी आपण ताको धनी करदे वेद शास्त्र उपनिषद जहाँ कही आपण कौन ताको काटिदेवे कहले निश्चित कहले डाक क्या डाक राजा मंत्री कानेरे कानेरे किसी कथा कहीदे कहले ए मंत्री जहाँ कहले मंत्री गले बारिआड़ गोटे बढ़िया हट्टा कटा आम सुमन भलिया गोटे बढ़िया सुंदर युवक को पूरा बुट सुट पिंधेकर आणिकी पहुँचेदेले कले आ भाग्यटा देखी देकरी टी कहतु ये धनी ना गरीब पूरा सब चकाचक पिंची तार हाथ देखीदेले ज्योतिष ज्योतिष कहले देखी सारा पर कहे आए ये जो पिला ए पिलार देखा ये कौन सी गच्छर दायित्व नेला भाई गोटे मालीर व्यवहार आ भितर रहिबो काम आर सैया आउ ये कोठा बड़ घरे रही पारिबो नाही ए पिला गच्छ पाखरे उठे छोटिया कुड़िया टिए बनेबार रहिबार भाग्य देखा जाउची। राजा कहले ठीक आपण ठीक ही कहले ये आज्ञा कौन सी मुसिना सजबाज करी बूट सुट पिंधे आनी ये आज्ञा कौ महापुरुष नुह कि कौ धनी घर पुओ नुह ये हूँ मो बगिचार माली आपण ठीक कहले ये माली किंतु मु चैलेंज देली गोटे वर्ष भितर मुआक धनी करदेवी ताको भी चैलेंज देले ज्योतिष कहले ठीक अच्छे आपण धनी करंतु दिने मते मन पकेबे जदि सतरे ये धनी हेगला ताले मो ज्योतिष शास्त्र को मु छाड़ी देवी किंतु मते आज चंदन नगर रु विदाय दियंतु मु जाउची मते खोजिबे कहिकि ज्योतिष भद्रशिला पळई गले। राजा कण कले सांगे सांगे गोटे चिठी टे लिखिले से चिठी टिकी से जो माली थिला माली नो ना होची दयाल से दयाल को डाकिले चिठी टे धरले कले ये चिठी टी धर एवं चिठी सांगरे किछि पैसा भी देले कले तुम्हें चिठी धर ये पैसा को नियो एउठु 100 किलोमीटर दूर रे गोटे गाँ पड़ से गाँव रे मोर मित्र भानु प्रताप रहंती तुम्हें से गाँ को जीव भानु प्रताप को चिठीटी देकी आसव दयाल जो चिठीटी पाला तो मनटा बड़ दुख हो गला कहला ए मोर ये सब कम कहीं राजा देला से गच्छ मूल बाछवा पानी दवा से कम तो ठीक ठाक थिला पुणी गोटे चिठीटा ने भी से गड़ गाँ को जी से गाँव में से भानु प्रताप को देवी कहले हेले राजा तो जहाँ दे आदेश तो मानिया को पड़ बड़ लोक चाकरी कर मानवा चिठीटा धरले गले जाकि से चिठीटी नहींक्र गले जाऊ 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 100 किलोमीटर दूर हला से चली 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 जाऊँच किंतु राजा दे पारिश्रमिक तुम्हें जीव जदि बाटर किसी भी पाइले जीवे ये गले बाटरे गोटे दुकानू गला ओहो ये जो खरा हो गले बढ़िया कि खाद्य किणला कि सारिक गोटे गच्छ मूले बसला बस खाला से खाऊ समय से गाँर
टिकम बोली गोटे पिला जे तांगे एका सांगे दिजन जाक पाठ पढ़ू सी ताको देखी चिन्ह दे अरे दयाल तू आम गाँ को कड़े आई चुँ सांग को देखीदे कहला कौन करी रे भाई मु ये राजा मत गोटे चिठीटा दे कौन मुझे गौड़ गाँ को जाई तांकर जी सांग अच्छा भानु प्रताप को दवापी ना ये दुख हम कर तू मन कहीं विषाद करी ना अरे यू कम किए कर कहना अरे टिकम कहला अरे सांग राजा पत्र मुझे तो आनंद नहीं जाता पैसा दे पत्र राजा राजा दूत हिसाब से जी कि बिंदास आमर टी असपुट लगला बाह कहीना थोपटा मुझ मुंड पकईदेवी ये कौन कहला कहला भाई जदि एक बढ़िया कम कहलु तू मोपाई टे करदेबू कह असुविधा कौन अच्छी तू जी तू जो पैसा धरीचु दबु आ चिठीटा दबु मो पैसा को पैसा ने चिठी नेबी जी आस पैसा देने सब हम बास कौन कहला चिठीटा धरईदेला कह जा भाई जा मु खाइकरी बसी जाऊँ छाई न उठले मो घर को पलि टिकम कौन कला ना से चिठीटी धरला पैसा धरला चलला दीदिन लगला टिकम जा राजा पाखे पहुँची गला राजार दूत जनईला जे चंदन नगर राजा तांकर दूत को पठाई गोटे चिठी दे गोटे संदेश दे राजा भानु प्रताप कहले मो सांग आस आस स्वागत करी नहीं आसिले राजसभा सब पात्र मंत्री बसी भितर बसैया को देदे मो सांग पठाई दूत दूत कहले टिकम कहला आज्ञा गोटे चिठी आनी से चिठीटा जितेबले पढ़ीदे चिठी लिखा था सांग मु जो पिला हाथ में चिठी दे ये बहुत परिश्रमी बहुत पुरुषार्थ आर अच्छी एवं बहुत भल भद्र तुम्हें आ ना चार सौ एकर संपत्ति तुम मन मुताबक ता ना करदेव और ताको मालिक बनईदेव आदि पार मोर पुत्र बोली ताको भाभी नब आमर कन्या को जदि भी बिवाह करी पार ताले ये मो राज्य को फेरिले मु ताको मोर पांच खंड गाँ दबा सहित मो राज्यर गोटे भल पदवी रखी शुणी खुशी हो गले भानु प्रताप सांगे सांगे खुशी हो गले आदर सत्कार कले आज स्त्री की निज झी को पचारे ये पाटी आसी मो सांगर ये पुव भली कन्या को बाहर करवा कहे कि असुविधा ना आरे गोटे राजा स्थिर कर मान राजा चयस कौन के भूल बढ़िया स्थिर कर बिवाहर भी करदे बहुत जानी जौतुक दे सुना रूपा बहुत देकी विदा कर चंदन नगर को फेरुं टिकम एपटे कौन है ना दयाल कौन कर छाड़ी दे आसी घरे आनंद दी दिन शोपड़ा कला जा सोला दी दिन रही राजा कहे जा थका मारी दी दिन पर सका सका आसी पुणी आसिक बगीचार काम करे से बगीचार पुणी पा दे गूल सफा कर राजा प्रात भ्रमण में बुलूल आरे दयाल कौन गूले राजा पचारे कि रे कौन चिठी नहीं जानू कि दयाल कौन करा कौन कह राजा जो पचारे चिठी नहीं तू जानु बोधे कहले तो धरा पड़गली कौन करी कहले नाई हजूर जाते खराला मुझे रास्ताटा पाइली मो सांग टिकम देखाला मु टिकम को चिठी आ पैसा दे दी आज्ञा पलि से ठीक ठाक नहीं पहुँचे तो मुझे बहुत विश्वास बहुत बढ़िया सांग से मोर राजा कहले हाय रे कपाल धन आसला जदि तुम्हें आलिंगन नकल जदि तुम्हें न रखी पार से पुणी तुम पाखु फेरिक पलैला राजा रागिगले कले एक गोटे तो अपराध ए गोटे अपराध में कौन हो देखा आउ थे गोटे चान्स दवा गोटे चान्स कहीं फेल्योर करवा दी थर चान्स दे सारापर जदि नापर छाड़ीदे आए कोशिश करवा चिंता कर द्वितीय थर राजा कौन कले रागिले दयाल उपर दयाल पलैला मन मन जाए भाविला कौन पाई राजा रागिले दी तीन दिन पलैला आउ आसानी चार दिन पर कले रागिंट राग ए शांत हो दयाल भी तार कि फसल करुच्ची बिल को गला देखला बिल रे बढ़िया बढ़िया तरबुज सब पचीची चारिटा तरबुज राजा नहीं करी गला जैक राजा को लंबाई गोड़ पकला महाराज ए बर्ष बढ़िया है मोर तरबुज बहुत पैसा हे तेणु चारिटा तरबुज आगे आनी आपन को भेटी देवाई कहले बढ़िया कथा खुशी हो गले जा हाउ टे परिश्रमी तु हेलुँ
କହିକିରି ଚାରିଟା ତରଭୁଜ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀର କାନରେ କ'ଣ ଗୋଟା କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ ଚୁକ୍ତି କହିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ତିନିଟା ତରଭୁଜ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ତରଭୁଜ ଭିତରକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ। ସେ ତରଭୁଜକୁ କାଟିଦେଲେ, ତାକୁ ଭଲସେ ତା ଭିତର ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ, ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ପୁଣି ତରଭୁଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କରିଦେଇକିରି ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଦୟାଲ ଏଠିକି ଆସ, ଶୁଣ, ତୁମେ ମୋତେ ଭେଟି ଦେଇଥିଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଭେଟିଟିଏ ଦେଉଛି, ଏ ଭେଟି ନେବ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ, ଘରେ ଯାଇକି ତାକୁ କାଟିବ ଏବଂ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବ, ଉପଭୋଗ ନ କର, ଉପଯୋଗ ବି କର। ଦୟାଲ ବି କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ, କପାଳରେ ତ ନାହିଁ। ନେଇକିରି ଗଲା, ନେଇକିରି କିଛି ବାଟ ଏମିତି ଯାଉଛି, ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାବୁଛି, ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲି ଚାରିଟା ତରଭୁଜ, ଚାହିଁଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା, 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ତରଭୁଜ ନେଇଥିଲି, ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ବିଲରେ ଏତେ ତରଭୁଜ, ପୁଣି ମୋତେ ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବି ଭାବି ଯାଉଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ତା ନାଁ ଲୋଟନ, ଲୋଟନ ଦେଖାହେଲା, କହିଲା, କିରେ ଦୟାଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କିରେ? ନାଇଁ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଥିଲି, ମୋର ବଢ଼ିଆ ତରଭୁଜ ହେଇଥିଲା ତ ଆଣିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ଦେଖୁନୁ, ରାଜା ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତରଭୁଜ। କହିଲେ, ଆରେ ଖୁସି କଥା, ନା କ'ଣ କରିବି, ମୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏ ତରଭୁଜ ନେଇ କ'ଣ କରିବି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ତରଭୁଜ, ନା ଆରେ ମୋତେ ଯଦି ରାଜା ଏ ତରଭୁଜ ଦେଇଥାନ୍ତେ ନା, ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ମୋ ଛୁଆପିଲା ପୁରା କାଟିକିରି ଖାଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କହିଲେ, ଧ, ତୁ ତାହେଲେ ଏ ତରଭୁଜଟା ନେଇଯା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାବୁଥିବେ ଇଏ ତାକୁ ଦେଇଦେଲା, କହିଲା, ତୁ ନେଇଯା। ଲୋଟନ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଯାଉଥିଲା, ଯା, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ତରଭୁଜ ପାଇଛି, ଲୋଟନ ତରଭୁଜକୁ ବେଗରେ ଧରିଲା, ଚାଲିଲା ଘରକୁ। ଯାଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲା, ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଗୋଟେ ଭେଟି ଦେଇଛି, ରାଜା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ, ବଢ଼ିଆ ତରଭୁଜ ହୋଇଥିବ, ରାଜାଙ୍କ ତରଭୁଜ ନା, ଦେ କାଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେରେ ଚେରେ ଦେ। ଯେତେବେଳେ ଘରଣୀ କାଟିଛନ୍ତି, କହିଲେ, ଆଗରୁ ତ କଟା ହେଇଛି, ତରଭୁଜରେ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି କଣା ଥାଏ ନା, ଆଗରୁ ତ କଟା ହେଇଛି, କାଟିଦେଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ସୁନା ରୂପା ଦେଖିକିରି ଲୋଟନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ ଭାଗ୍ୟ ତ ବଦଳିଗଲା ଆମର, ଏତେ ତା ଦେହରେ ଅଛି। ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପିନ୍ଧି ପାନ୍ଧିକିରି, ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକିରି, ତା ଛୁଆକୁ ନେଇକିରି ଗଲା ମାର୍କେଟରୁ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ସବୁ ଧରିକି ଆସିଲା। ତା ପରଦିନ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି, ଦୟାଲ ସେପଟରେ ଯାଉଛି, କେଉଁଠି, ରାଜାଙ୍କ ବାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି, ତା'ର ସେଇ ଫଟା ଚିରା ପିନ୍ଧିଛି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ରାଜା ପୁଣି ଦେଖିଲେ ଦୟାଲ ପୁଣି ସେଇ ଚିରା ଫଟା ପିନ୍ଧିକି ଆଇଲା। କହିଲେ, କିରେ, କାଲି ସେଇ ତରଭୁଜ ଖାଇଲୁନୁ କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତରଭୁଜଟା ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଲୋଟନ ଦେଖା ହେଲା, ମୋର ତ ଘରେ ଏକା ଥିଲି, ସେ କହିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ 4 ଜଣ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। କହିଲେ, ହାଇ ରେ ବିଧାତ, ତତେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କହିକି ତାକୁ ଜୋରରେ ରାଗିଲେ, ଆଉ ତାହେଲେ ରାଗିଲେ ଇଏ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯେ ସେଇଠୁ ବାଟରୁ ଫେରି ପଳେଇଲା। ରାଜା ତାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କି ସିଏ ବି ଯିଏ କହୁନି, ସେ ଫେରିକି ପଳେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆଇଛି, ଦେଖିଲା ଲୋଟନ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରି ଫିଟ୍ ଫାଟ ହେଇକିରି, ବଢ଼ିଆ ପିନ୍ଧିକିରି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଯାଉଛି ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ଛୁଆକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାକୁ ଦୟାଲ ଦେଖିକି କହିଲା, ଆରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କରି ସଜବାଜ ହେଇଯାଇଛି, ପଚାରିଲା, କିରେ କ'ଣ, କେଉଁଠି ଲଟେରୀ ପଟେରୀ ବାଜିଲା କିରେ, କ'ଣ ଆଜି ପୁରା ଭାଉଜକୁ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲୁ? କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ଏ ସବୁ ସେଇ ତୋ ତରଭୁଜର କମାଲ। କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା କି? ନା, ଆରେ କାଲି ତୁ ଯେଉଁ ତରଭୁଜ ଦେଇଥିଲୁ ଜାଣିଛୁ, ସେ ତରଭୁଜ ଭିତରେ କେତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଥିଲା, ହୀରା ନୀଳା ସବୁ ଥିଲା, କାଲି ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିକି ନେଇ କିଣାକିଣି କରି ଆଜି ଯାଉଛୁ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କେବେ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ପଇସା ହୁଏନି କି ମୁଁ ମୋ ତୋ ଭାଉଜକୁ କେବେ ନେଇକି ଯାଇନି, ତେଣୁ ଆଜି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଅନିଲା ସିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ପଟୁଆର ଆସୁଛି, ପୁରା ରାଜା ବେଶ ପୋଷାକରେ ଗୋଟିଏ ସବାରିରେ ବସିକିରି, ଗୋଟିଏ ଦୁଲ୍ହନ ଧରିକିରି କିଏ ଚାଲିଛି ଟିକେ, ସେଇଠିକି 2 ଜଣ ଯାକ ଲୋଟନ ଆଉ ଦୟାଲ 2 ଜଣ ଯାକ ଅନଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅନିଲେ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆରେ ହାତୀ ଉପରେ ବଇଛି ଗୋଟିଏ ରାଜା। ଅନିଲା ଟିକେ, ଇଏ କିଏ? ଆରେ ଇଏ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଟିକମ। ଆରେ ଟିକମ ବି ରାଜା? ଟିକମ ଯାହାକୁ ବାହାହେଉଛି ସେ ରାଣୀ ଭଳିଆ ସଜ ହେଇକି ଆଇଛି। ଇଏ ଦୟାଲ ଆଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଆରେ ହେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ, ରାଜାଙ୍କ ପଟୁଆର ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଠେଲି ଦେଲେ, ଆରେ ଛିଣ୍ଡା ଲେକଡ଼ା ପିଞ୍ଚି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପଟୁଆରକୁ ବି, ଇଏ ରାଜାଙ୍କ ଜ୍ୱଇଁ ପୁଅ, ସେ ରାଜାଙ୍କ ଜ୍ୱଇଁ, ତାକୁ ହେଉଛି ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଠେଲି ଠେଲି ଦେଲେ ଯାପଳା। ଇଏ ଗଲା ଟିକମ ଆଉ ରାତି ସାରା ଦୟାଲ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲାନି। କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ତ କମାଲ, ଆରେ ଇଏ ଲୋଟନ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କିରି ଅଛି, ଟିକମ ରାଜା ହେଲା, ମୁଁ କେମିତି ଏମିତି ହେଇଗଲି କହିକିରି ଭାବିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାତି ପାହିଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ଟିକମ ପାଖରେ, ପଚାରିଲା। ଟିକମ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଯେଉଁ ଲେଖାଟା ମୋତେ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ଲେଖାରେ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ରାଜାର ଜୋଇଁ ହେବି ବୋଲି, ତୁ ଗଲୁନୁ ତା ପାଖରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା, ଏଇଠି ଲୋଟନ କ'ଣ କରିବ?
लोटन खुशी रे रही टिकम खुशी रे रहा दयाल एवं मुंडे हाथ दे कह कपाल हाथ मारी हाँ कपाल हाथ मारी कपाल हाथ मारी कपाल हाथ मारी कहीं कांदु छु निजे निजे दुख कुतु ढाकियाणी छु निजे निजे दुख कुतु ढाकियाणी छु कांदुची दयाल कांदुची राजा एटी भाविले अरे से ज्योतिष भद्रशील कुआडे गला से जहाँ कही कपाल जहाँ लिखाई मु सत चेष्टा कले भी राजा केबे गरीब को धनी करी पारिबो नै जे पर्यंत मनीष निज भाग्य को निजे तैयारी न करी तेणु दर्शक बंधु ये कहानी तो या शिखेला जे आमे निज भाग्य को निज हाथ में ही आम या कपाल लिखन को काटिपर ना आज तो समय इशारा देला ये कहानी टी आमको ये रखा पड़ आमे पुणी आसबू नुआ एक कहानी सहित नुआ एक अध्याय रे सत्यपते घेनी जाओ मते कार्यक्रम रे सेतबेला पर्यंत आपण माने निजे असंतु अन्य को हसेबार कारण बनंतु एवं समस्ते खुशी रे रहंतु विदाय नौछु रहौछु नमस्कार जय जगन्नाथ।